नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बुकिंग की जाती है बांधवगढ़ नेशनल पार्क के लिए, कौन सा जोन आपके लिए बेस्ट रहेगा जिसमें टाइगर साइटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देंगे, कैसे आप बांधवगढ़ नेशनल पार्क पहुँच सकते हैं और यहाँ पर किस लोकेशन पर आपको होटल लेना चाहिए, किस तरह के फूड आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे की जाती है बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बुकिंग। देखिए, बुकिंग दो स्टेप्स में होती है। पहली तो ऑनलाइन परमिट बुकिंग, कि आप फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको एक परमिट की ज़रूरत होती है, तो उस परमिट की आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। और फिर ऑनलाइन बुकिंग जब आप कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर आना होता है, और ये जो ऑफिस है ये है टिकट काउंटर ताला। ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का मेन ऑफिस है जहाँ से आपकी जो टिकट वेरिफिकेशन है वो किया जाता है। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप, लेकिन हम फर्स्ट स्टेप पर थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे बुकिंग की जाती है ऑनलाइन परमिट की। देखिए, ऑनलाइन परमिट की मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूँ। वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ जाकर सीखते हैं कि कैसे टिकट बुकिंग की जाती है। टिकट बुक करने के लिए आप अपने मोबाइल कंप्यूटर या लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करें। यहाँ पर आप टाइप करें mponline.gov.in और ओपन होने के बाद वेबसाइट कुछ इस तरह की नज़र आएगी। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेस्कटॉप साइट का यूज़ करें। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको ओपन होने के बाद बुक नाउ का बहुत बड़ा सा लोगो दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर टाइगर रिजर्व है फर्स्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। आपके सामने MP इंडिया का मैप खुल जाएगा। यहाँ पर 6 टाइगर रिजर्व्स को मार्क किया गया है, आप इनमें से किसी की भी बुकिंग यहां पर कर सकते हैं। तो अभी हम यहां पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। यहाँ पर परमिट दो तरह से आपको दिए जाते हैं, एक तो फुल व्हीकल और एक सिंगल सीट। फुल व्हीकल यानी कि आप अपनी पर्सनल जिप्सी बुक कर रहे हैं, यानी कि आपको पर्सनली पूरी जिप्सी का चार्ज देना होता है। और यहाँ पर सिंगल सीट का ऑप्शन भी है जिसमें आप अपनी सिंगल सीट बुक कर रहे हैं, चाहे आप एक मेंबर हैं, दो मेंबर हैं या 6 मेंबर हैं, तो आपको अपनी अपनी सिंगल सीट मिल रही हैं और उसी सिंगल सीट के आपको चार्जेस देने होंगे। इसमें आपको फुल व्हीकल का चार्ज नहीं देना होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिंगल सीट को सेलेक्ट करें और फिर डेट ऑफ विजिट को यहां पर सेलेक्ट करना होगा। यहां पर मैं 5th अप्रैल को सेलेक्ट करके यहां पर सर्च करूंगा। देखिए, सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आता है। यहां पर आपको नंबर ऑफ सीट्स दिखती हैं, जितनी भी सीट्स खाली हैं हर जोन के हिसाब से। तो अभी हम यहाँ पर मॉर्निंग सफारी को बुक करेंगे मगधी जोन के लिए। देखें, यहाँ पर 5th अप्रैल के सामने 18 सीट्स वैकेंट हैं। यहाँ पर हमें 18 पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा ईमेल आईडी और पासवर्ड से। यहाँ पर एक आईडी क्रिएट करनी होती है, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। कुछ जनरल डिटेल्स हैं, उन्हें फिल करके आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं। हमारी आईडी पहले से ही क्रिएटेड है, तो यहाँ पर हम बैक करेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी जनरल डिटेल्स लिखी होंगी जो कि रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने फिलअप की होगी, और ये यहाँ पर इसके नीचे देखेंगे तो कुछ जिप्सीज बनी होंगी, उनके अंदर सीट्स हैं, और ये सीट्स की जो मार्किंग है वो यहाँ पर नीचे आप देख पाएंगे। देखिए, जो ग्रीन कलर की वो आपने सेलेक्ट की है, जैसे मैंने यहाँ पर 2 सीट सेलेक्ट कर ली हैं। वाइट सीट्स यानी कि अवेलेबल हैं, अभी आपको और सीट्स चाहिए तो यहाँ वाइट को आप टिक करेंगे तो ग्रीन हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैसेंजर डिटेल्स भरने का जो कॉलम है वो ओपन हो गया। यहाँ पर आप अपनी पैसेंजर डिटेल्स भरिए। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स भी यहाँ पर फिलअप करनी होती है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तब आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी होती है, ताकि अगर आप टिकट कैंसिलेशन करवाएं तो उसका रिफंड उस बैंक अकाउंट में आ जाए। तो इस तरह से आप अपनी जनरल डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, और फिलअप होने के बाद यहाँ पर बुक योर परमिट पर क्लिक कीजिए, और फिर वहाँ पर आपके पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपके सामने एक PDF ओपन होगा जिसमें आपका जो ऑनलाइन टिकट है वो शो होगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और उसका आप प्रिंट निकलवा लीजिए। देखिए, ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद जो परमिट आपको मिलता है, उस परमिट का आपको इस तरह से प्रिंट आउट निकाल लेना है। ये कुछ 2-3 पेजेस का ये प्रिंट आउट होता है इस तरह का। इस प्रिंट आउट को आपको निकाल लेना है, मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, प्रिंट आउट को लेकर आपको यहां पर आना है ऑफिस में, और यहां पर आपको मिलता है आपका वेरिफिकेशन, मतलब इस टिकट का आपका वेरिफिकेशन किया जाता है। तो हम यहां पर हमने अपना ऑनलाइन परमिट वेरीफाइड कर लिया, यहां पर वेरीफाइड की सील लग चुकी है, और अब दूसरी स्टेप चालू होती है टिकट बुकिंग की। देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया,
टिकट बुक किया एक परमिट के तौर पर, उसमें हमको लगभग 400 रुपये प्रति पर्सन का देना होता है, लेकिन ये पूरा टिकट नहीं है। अब यहाँ पर आएंगे, वेरिफिकेशन कराएंगे, वेरिफिकेशन के साथ साथ हमें अब व्हीकल और गाइड फीस को भी देना होता है एडिशनल रूप से। देखिए, व्हीकल की फ़ीस होती है 3000 एक व्हीकल की, एक जिप्सी जो होती है उसका जो व्हीकल है का प्राइस है वो 3000 रुपीज़ है, यानी कि 6 जने जो बैठते हैं एक जिप्सी में उसका कॉस्ट आता है 3000 रुपीज़, और एक गाइड का प्राइस वेरी कर सकता है 480 रुपीज़ टू 600 रुपीज़ का प्राइस होता है। अगर आप एक पर्सनल जिप्सी करते हैं, पर्सनल व्हीकल करते हैं, तो ये सारा चार्जेस आपको अकेले ही पे करना पड़ेगा, यानी कि 3000 रुपये तो जिप्सी का और 600 रुपये या 480 रुपये जो गाइड का चार्ज है वो आपको अकेले ही पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंगल सीट बुक करके आते हैं, जैसा कि मैंने आपको टिकट बुक में बताया, अगर आप सिंगल सीट बुक करके आते हैं तो आपको यहाँ पर शेयरिंग में जिप्सी मिल जाती है, जिससे आपकी कॉस्टिंग बहुत ही कम हो जाती है। मतलब वो जो आपका जो फीस है, जो 3000 रुपये व्हीकल का फीस है या फिर जो गाइड का फीस है, वो 6 जनों के अंदर डिवाइड हो जाता है, तो आपको ज़्यादा भार नहीं पड़ता इससे और आपको ज़्यादा पे नहीं करना होता। अब हमें अपना जो पेमेंट है वो यहाँ पड़ोस वाले विंडो पे डिपॉजिट कराना पड़ेगा, और वहाँ से हमें व्हीकल अलॉट हो जाएगा और साथ में गाइड और व्हीकल, मतलब दोनों चीज़ें वहाँ से अलॉट की जाएंगी। देखिए, ये तो बात हो गई कि कैसे टिकट बुकिंग की जाती है, बहुत ही आसान सा तरीका है, लेकिन अब बात करते हैं कि कौन सा जोन बहुत अच्छा होता है जिसमें टाइगर साइटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, टाइगर दिखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए, यहाँ पर मेरे सामने आपको एक जोन की लिस्ट नज़र आ रही होगी। देखिए, ये जो शुरुआती 3 जोन है जिसका नाम है खेतौली, मगधी और ताला, ये कोर जोन एरियाज़ हैं। यहाँ पर 2 एरियाज़ हैं स्पेशली, बफर जोन्स एंड कोर जोन एरियाज़। कोर जोन वो जो कि बहुत डीप डाउन द फॉरेस्ट है, मतलब घना जंगल है, जहाँ पर टाइगर या फिर अन्य जंगली जानवर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये जो है बफर जोन्स, ये साइड एरियाज़ हैं जंगल के, यहाँ ऐसा नहीं है कि जानवर नहीं मिलते, जानवर मिलते हैं लेकिन चांसेस कम होते हैं। ये जो बाकी जोन हैं 1, 2, 3 एंड 4, इनमें थोड़े चांसेस कम होते हैं। यहाँ जो मेन जोन है वो हैं खतौली, मगधी एंड ताला, ये 3 मेन जोन हैं। इसमें से भी मगधी एंड ताला, इन दोनों के बीच में एक तरह से कंपटीशन होता रहता है, कभी इसका पलड़ा भारी होता है, कभी इसका होता है, कभी इसमें साइटिंग ज़्यादा होती है, कभी इसमें ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर एक मेन डिफरेंस मैं बताना चाहूँगा, मगधी का जो जोन एरिया है वो बड़ा है, बड़ा जंगल एरिया है, यहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आप सुबह के टाइम पर यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, तो सुबह के टाइम अगर आप सफारी करते हैं। ताला में भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, ये दोनों बहुत अच्छे एरियाज़ हैं। ताला के एक और स्पेशल पॉइंट के यहाँ पर जो बांधवगढ़ फोर्ट है वो भी ताला जो जोन है उसी में पड़ता है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आप सभी गाइड हैं? जी। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के? जी, जी, जी। सर, आपसे कुछ ज़रूरी जानकारी लेनी थी ताकि हमारे सभी दर्शक इस बात को समझ पाएँ कि यहाँ का टाइमिंग क्या है, चांसेस क्या होते हैं टाइगर या फिर किसी भी अन्य जानवर के मूवमेंट का टाइमिंग क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए मुझे कि मॉर्निंग का और इवनिंग का टाइमिंग क्या है सफारी का? मॉर्निंग का टाइमिंग है 6:30 से लेके 11:30 तक। ओके। और सेकेंड टाइम इवनिंग सफारी में 3 से 6:15 तक। हाँ जी। सुबह का और शाम के टाइमिंग में काफी बड़ा गैप है ना? हाँ जी, हाँ जी। सुबह का 5 घंटे के लगभग है जी, और जी। शाम का 3 घंटे 15 मिनट। और चार्जेस सेम ही है जी, जी। चार्जेस सेम है। और टाइगर या फिर किसी भी अन्य जानवर का मूवमेंट कब ज्यादा होता है, सुबह या फिर शाम? दोनों टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग। अच्छा, लेट इवनिंग होता है। अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग ज्यादा मूवमेंट रहता है टाइगर लेपर्ड का और स्लॉथ बियर का। अच्छा अच्छा, स्लॉथ बियर भी यहाँ पर है? हाँ जी, हाँ जी, स्लॉथ बियर भी है। टाइगर के अलावा और कौन कौन से जानवर यहाँ पे? वाइल्ड एलिफेंट है, टाइगर है, लेपर्ड है, स्लॉथ बियर है, इंडियन गौर है। अच्छा। और डियर फैमिली में 3 टाइप के डियर है जी, और डियर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर। अच्छा। 3 ही डियर दिखते हैं, वाइल्ड डॉग भी है, चिंकारा है। अच्छा अच्छा। नील गाय है, काफी सारी वैरायटीज है, बहुत से 42 प्रकार के एनिमल है। बट और कैसे, और कई ऐसे एनिमल है जो नाइट में ही एक्टिव रहते हैं, जैसे कि परकोपाइन वगैरह। सर, यहाँ नाइट सफारी भी कुछ होती है, आप थोड़ा सा बताएंगे? हाँ जी, हाँ जी, नाइट सफारी भी होती है, 7 बजे से लेके 10 बजे तक होती है। 7 से 10, 3 घंटे का टाइम है। और ये ओनली बफर एरिया में होता है, कोर एरिया में नहीं होता। यहाँ बांधवगढ़ में 7 जोन है, 7 में से 3 कोर एरिया, बाकी 4 बफर एरिया।
फोर बफर एरिया। हाँ जी हाँ जी। इसका भी ऑनलाइन परमिट वैसे ही नहीं, नहीं ऑनलाइन ये करंट टिकट रहता है। करंट टिकट जी जी, सेम चार्जेस रहता है ऑफिस के साथ। हाँ जी ऑफिस से। ओके ओके, सेम चार्जेस रहता है। सेम चार्जेस। हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर। देखिए अगर आप यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में डायरेक्टली भी आते हैं और बुक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आप बुकिंग कर सकते हैं। ऑफ सीजन में आपको इजीली टिकट मिल जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर सीजन वाइज है, सीजन में ज़्यादा क्राउड होता है तो उसमें चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर ऑफ सीजन में आप आते हैं डायरेक्टली बुकिंग के लिए तो यहाँ पर आपको टिकट मिल जाएगा और कटनी। मतलब आप बांधवगढ़ नेशनल पार्क विजिट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आइए कटनी रेलवे स्टेशन पे। कटनी रेलवे स्टेशन से आपको जाना होगा बस स्टैंड पर। कटनी बस स्टैंड पर आप पहुंच जाइए, लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड के बीच में। वहां से आपको मिलेगी उमरिया की बस। उमरिया एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, यहां पर आपको आना होता है और कटनी से उमरिया का डिस्टेंस है 65 किलोमीटर का और इसका चार्ज है 90 रुपीज़ पर पर्सन का, 90 रुपये आपको पे करना होता है। बांधवगढ़ जाने के लिए सबसे बेस्ट रूट कौन सा है? यही रोड बेस्ट है, मतलब कटनी से उमरिया। कटनी से उमरिया का रास्ता काफ़ी अच्छा है, आप यहां पर पर्सनल व्हीकल बुक करके भी आ सकते हैं। तो उमरिया पहुंचने के बाद यहां से हमें बस चेंज करनी पड़ती है और अब हम जाने वाले हैं बांधवगढ़ के लिए। यहां से अब इस बस को तो हमको छोड़ना पड़ेगा, दूसरी बस यहां से मिलेगी। बांधवगढ़ के लिए गाड़ी यहां उमरिया बस स्टैंड से ही मिल जाती है और लगी लगाई गाड़ी मिल गई हमको भी यहां पर, तो मतलब कन्वीनियंट सोर्स है, आप बड़ी आसानी से बांधवगढ़ जा सकते हैं। उमरिया बस स्टैंड से बांधवगढ़ का डिस्टेंस है 33 किलोमीटर का, इट्स अराउंड 30 to 35 किलोमीटर्स। तो आपको इसका चार्ज देना होगा एडिशनल 50 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज होता है और आप लगभग 1 घंटे के अंदर बांधवगढ़ पहुंच सकते हैं। उमरिया से बांधवगढ़ का रास्ता सिंगल रोड का है, लेकिन रास्ता अच्छा है और रास्ते की खास बात कि आपको रास्ते के बीच में कई तरह के वन्य जीव मिल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर आप बांधवगढ़ आते हैं तो आपको किस जगह स्टे करना चाहिए, स्टे करने के लिए किस तरह की होटल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। देखिए अगर मैं रेंज की बात करूँ तो यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज़ की रेंज में आपको होटल्स मिल जाएंगी, जैसे कि 500 रुपये से स्टार्ट हो जाएंगी और 5,000-10,000 पर डे का चार्जेस यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज़ की होटल्स में आपको मिलेगा। डिफरेंट टाइप के आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे पूरे रास्ते भर, आपको अलग अलग रेस्टोरेंट है और आपको उसमें डिफरेंट वेराइटीज़ के जो फूड आइटम्स हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। आप अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी कॉस्टिंग के अनुसार यहां पर होटल्स भी ले सकते हैं। अगर आप 500 to 1500 के चार्जेस के अंदर होटल्स बुक करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव बुकिंग करना चाहते हैं तो उनको भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। और एक और बहुत आसान सी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि जहाँ पर आपका एंट्री गेट है, जैसे कि आप मान लीजिए ताला जोन में जा रहे हैं तो ताला जोन से आपका एंट्री मिलने वाली है, तो वहाँ से आपका जो होटल है वो पास होना चाहिए ताकि आप वहाँ आसानी से पहुँच सकें। जैसे कि बुकिंग ऑफिस है, यहाँ पर आपका जो होटल है इसके थोड़ा नज़दीक होना चाहिए ताकि आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर पहुँच सकें। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। हम बांधवगढ़ में लगभग 2-3 दिन से रह रहे हैं, यहाँ पर हमने डिफरेंट होटल्स, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स ट्राई किए। यहाँ पर कोलकाता रेस्टोरेंट है बंसी ढाबा के नाम से, बहुत अच्छा और बिल्कुल ऐसा आपको घर जैसा खाना मिलेगा। हमको अपने एक्सपीरियंस में यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा लगा, तो आप बांधवगढ़ आएँ तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। ताला गेट से थोड़ा ही दूर ये जो ढाबा है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दिस इज़ द म्यूजियम ऑफ बांधवगढ़, इसके अंदर मॉडल्स हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क के, जो भी यहाँ पर दिखाई देता है वो सारी चीज़ें एक तरह से 3D मैप के फॉर्म में यहाँ पर दर्शाई गई है। तो ये थी बांधवगढ़ नेशनल पार्क सफारी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।